हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम कनर रिट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो जो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली। तो गाइस चलिए आज वीडियो को बिना किसी रुकावट के शुरू कर लेते हैं। सो गाइस चलते हैं हम सबसे पहले एड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को करना है क्या, पहले आप सभी को अपने मॉडल को लेकर आना, ठीक है। एंड अपने मॉडल को मैंने गाइस पहले से बैकग्राउंड इरेज कर रखा है। एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो देखो और जाकर बैकग्राउंड को इरेज करो। तो गाइस मैं सिंपली अपने मॉडल को ले लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। सो मैंने अभी इरेज किया था, मेरे को मॉडल मिल नहीं रहा है, तो गाइस दिक्कत की कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ये रहा मेरा मॉडल, ठीक है। सो उसके बाद गाइस इसको मैं डन कर लेता हूँ। एंड गाइस इसको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइस इसके बाद मैं इसको वैसे साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस सबसे भी करना है क्या, इसको कर देना ऐसे डन, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस इसमें कुछ पीएनजीज हैं, मतलब कुछ नहीं गाइस, काफ़ी हैं। तो गाइस इन सभी का लिंक आपसे पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस मैंने ये लॉइन का पीएनजी लिया, ठीक है। एंड मैं इसको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सिंपली यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड कर लेता हूँ डन, ठीक है। एंड दोबारा से जाएंगे हम ऐड फोटो में गाइस, ठीक है। ऐड फोटो में चलते हैं। एंड गाइस एलिफेंट का एक पीएनजी है, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। एंड कर लेते हैं डन, ठीक है। एंड इसको सिंपली हम इसके साइज को बड़ा करेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा और बड़ा करेंगे साइज को, ठीक है। एंड सिंपली इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। एंड कर देंगे सिंपली डन, ठीक है। सो ये इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड गाइस कर लेंगे सिंपली डन। एंड गाइस उसके बाद जाना आपको दोबारा से ऐड फोटो में, ठीक है। एंड दिक्कत की कोई बात नहीं है, सभी बैकग्राउंड पेंजेस फ्री हैं गाइस, बिल्कुल ऐसी टीम है, सिंपल ही जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। एंड गाइस मैं सिंपली इसको यहाँ पे इसको ले आता हूँ। एंड गाइस इसको थोड़े साइज को बड़ा करके यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। एंड सिंपली इस तरीके से लगा लेता हूँ। एंड कर लेता हूँ डन, ठीक है। एंड गाइस चलते दोबारा से हम ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम दोबारा से एक पेन जो ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसको सिंपली हम गाइस इस तरीके से साइज बड़ा करेंगे, ठीक है। एंड सिंपली हम इसको अपने फेस की तरफ इस तरह यहाँ लगाएंगे, ठीक है। एंड गाइस एक चीज़ का ध्यान रहे कि गाइस आपको अपना थोड़ा सा फेस दिखाना है फोटो में, बस हल्का सा, ठीक है। सो अब मैं इसको अपने हिसाब से अपना देख लेना गाइस आपको कितना फेस दिखाना है, मेरे ख्याल से तो गाइस ज़्यादा फेस दिखाना में सही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। एंड गाइस उसके बाद हम जाएंगे इरेजर टूल में, ठीक है, सिंपली इस तरीके से। एंड गाइस इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस सबसे वो करना है क्या, पहले गाइस आपको इरेजर टूल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसको आपको सिंपली इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिमूव करना है। एंड गाइस ध्यान रहे गाइस ज़्यादा एक्स्ट्रा रिमूव ना हो जाए, नहीं तो गाइस फोटो नकली लगेगी। तो गाइस देख के हिसाब से थोड़ा टाइम लगा के गाइस करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से करना, अच्छे से अच्छी एडिटिंग करनी है हमें। सो गाइस जिस तरीके से आप सभी को इरेज करना, हल्का हल्का देखना है गाइस, कहीं कुछ रह ना जाए, ठीक है। एंड जो गाइस हमारा अभी साइड में हिस्सा रह गया ना गाइस, जो इरेज हो चुका है, अभी हम उसको वापस ले आएंगे, ठीक है। सो मैं इसको पहले पूरा इरेज कर लेता हूँ ढंग से नीचे से, ठीक है गाइस। एंड दोबारा से अब क्या करेंगे गाइस, हम इसको पेंसिल वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। एंड गाइस उसके बाद सिंपली हम इस तरीके से अपनी इस तरीके से यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस जहाँ जहाँ रह गया हम उसको वहाँ पर चला लेंगे, ठीक है, सिंपली इस तरीके से। एंड गाइस के बाद आपसे भी करना क्या है, ये थोड़ा सा और रह गया, तो गाइस मैं स्कोर कर लेता हूँ। एंड गाइस हमारी फोटो गया था डन, ठीक है, इसको कर लेते हैं डन। एंड गाइस की ओपेसिटी को 100 कर देते हैं। एंड गाइस साइड में भी थोड़ा थोड़ा रह रहा है, तो गाइस मैं दोबारा से इसको इरेजर टूल में जाके दोबारा से पूरा कर देता हूँ फील, ठीक है गाइस। सो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। एंड गाइस कर लेते हैं डन, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइस अभी हमें कुछ भी चीज़ और लगाने, सो गाइस सिंपली हम जाएंगे ऐड फोटो में, ठीक है, ऐड फोटो में जाएंगे। एंड गाइस एक टाइगर का पीएनजी लेंगे, ठीक है, जो कि सिंपली आप सभी को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो मैंने ये ले लिया टाइगर का पीएनजी। एंड गाइस इसके साइज को हमें बड़ा कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड सिंपली हमें वही स्टेप फॉलो करना है इसमें भी गाइस, इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। एंड गाइस इसको भी हम इरेज करेंगे। सो गाइस पहले मैं इसको बोला ढंग से सेट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, ताकि फोटो बेकार ना लगे। सो यहाँ पे चलते हैं इरेजर टूल में, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस सॉरी मैंने ओपेसिटी कम नहीं की, तो गाइस मैं पहले ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। एंड गाइस आप भी ओपेसिटी कम करके इरेज करना, नहीं तो यार कहीं ज़्यादा मेहनत लग जाएगी आपकी। सो सिंपली हम इसको इस तरीके से यहाँ से इरेज कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर लेता हूँ। हमने पूरी फोटो को कर लिया गाइस, ठीक है,
हमने इरेज भी कर लिया, गाइस डन कर लिया। ठीक है गाइस, बिल्कुल अब हम कर लेते हैं यहाँ से डन। ठीक है गाइस, एंड दोबारा से जाएंगे ऐड फोटो में। ठीक है गाइस, एंड कुछ पीएनजी और लाएंगे। ठीक है गाइस, सो मैं इसको पीएनजी को ले लेता हूँ गाइस यहाँ से। ठीक है गाइस, एंड सिंपली इसके साइज को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा। ठीक है इस तरीके से, एंड इसको मैं सीधा इस साइड में लगा लूंगा। ठीक है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ मैं गाइस। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस सबसे करना क्या आपका एक काम और रह गया। ठीक है, पहले मैं इसे डन कर लेता हूँ। एंड गाइस एक पीएनजी और रह गया, लास्ट पीएनजी जो है हमारी, उसको हम सिंपली लगा लेते हैं। ठीक है इस तरीके से, एंड गाइस कर लेते हैं डन। ठीक है, एंड यहाँ से ले लेते हैं एंड फोटो को, सॉरी पीएनजी को, एंड गाइस यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, एंड सिंपली गाइस यहाँ तक हो गई तो ऊपर से कर लेते डन। एंड ठीक है गाइस, एंड इसके बाद गाइस हम इस फोटो कर लेते हैं सेव। एंड गाइस जो भी कलर करेक्शन होगी हमारे लाइट रूम ऐप के अंदर, सो गाइस चलिए इस फोटो को हम सेव कर लेते ड्रॉ टूल में। एंड गाइस ड्रॉ टूल से हमारी फोटो एचडी क्वालिटी में सेव होती है, एंड गाइस इसमें एड ब्रेक भी नहीं मिलते, तो गाइस इसलिए हम ड्रॉ टूल से फोटो सेव करते हैं। बहुत बड़ी क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा गया, सो गाइस मैंने आप सभी को आज बता दिया। सो गाइस कर लेते हैं बैक एंड चलते गाइस लाइट रूम ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप को ओपन करने के बाद गाइस अब करना है क्या है, ऐड फोटो में जाना है, फोटो को ऐड करना है। ठीक है, ऐड फोटो में चलते हैं, गाइस कर लेते हैं ऐड। एंड गाइस जब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना यार, तो वीडियो को लाइक कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है यार। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, सो हमारी फोटो आ चुकी है गाइस, सो अब सभी को करना है गाइस जाना लाइट को ऑप्शन में। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को गाइस आप सभी को कर लेना है माइनस। ठीक है, एंड हाईलाइट्स को कर लेना प्लस। ठीक है, एंड शेडो को हम प्लस में ही रखते हैं। ठीक है, एंड व्हाइट को हम माइनस कर लेते हैं, ब्लैक को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एंड चलते नीचे वाले टूल में। ठीक है, एंड चलते मिक्स में, पहले हमें रेड कलर को सिलेक्ट करना है। एंड गाइस जिसके ह्यू का हमें सॉरी सैचुरेशन कर लेना माइनस। ठीक है, एंड ह्यू को भी कर लेना माइनस। एंड गाइस चलते हैं ऑरेंज कलर पे। ठीक है, इसकी सैचुरेशन कर देते हैं माइनस। ठीक है, एंड ल्यूमिनस को कर दे प्लस। ठीक है गाइस, सो अब लेते हैं गाइस नेक्स्ट कलर। ठीक है, एंड इसमें गाइज हम इसके ह्यू को माइनस नहीं गाइज प्लस में रखते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद लेते हैं और गाइज सैचुरेशन को कर लेते हैं माइनस। ठीक है, एंड ग्रीन कलर को लेते हैं। ठीक है, एंड इसके ह्यू को हम कर लेते हैं प्लस रखते हैं गाइज। ठीक है, 26 तक। एंड गाइज सैचुरेशन को कर लेते हैं माइनस। एंड गाइज यहाँ से कर लेते हैं डन। ठीक है, इसके हमारे इतने कलर चेंज नहीं, तो अगर हमारे जानवरों के भी कलर चेंज हो जाएंगे, इसके बाद हम इतने रखते हैं। एंड गाइज बैक आते हैं, एंड गाइस सैचुरेशन को हम बढ़ा लेते हैं, एंड माइनस कर लेते हैं वाइब्रेशन को, एंड टेम्परेचर को भी माइनस कर लेते हैं। ठीक है गाइस, एंड चलते हैं गाइस नीचे। एंड गाइस इसके बाद आप सभी करना क्या, क्लियरिटी को बढ़ा लेना है। ठीक है, एंड गाइस बिगिनेट को भी कर लेते हैं माइनस। ठीक है, बिकॉज गाइस बिगिनेट माइनस ही रहनी चाहिए, नहीं तो यार बिगिनेट का जो मजा है ना वो नहीं रहता। सो गाइस सॉरी गाइस, टेम्परेचर को मिड पॉइंट को हमें कम करना है। ठीक है, एंड फैदर को 100 प्लस कर देना है, एंड राउंडनेस को भी 100 प्लस कर देना है। ठीक है, सो अब चलते हैं नीचे वाले टूल में। ठीक है, नीचे वाले टूल में चलते हैं सिंपली। ठीक है, ये जो गाइस आप सभी को टूल दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें जाने के बाद गाइस आप सभी करने के शार्पनेस बढ़ानी है यार, फोटो की शार्पनेस बढ़ानी है हमें। एंड गाइस नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेना है, एंड कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा लेना है। ठीक है, सो सिंपली हमारी फोटो यहाँ तक एडिट हो चुकी है। सो गाइस कमेंट बॉक्स बताना यार वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना यार, तुम्हारा भाई तो आपके लिए बहुत मेहनत करता है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड गाइस अपने किसी ना किसी दोस्त को जरूर शेयर किया करो यार वीडियो, ताकि आपका दोस्त भी ऐसी एडिटिंग कर पाए। एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सके। एंड गाइस जिसको पता नहीं है इंस्टाग्राम का लिंक मेरा कहाँ रहता है, तो मैं बता दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, जाके जाओ फॉलो करो। एंड गाइस स्क्रीन पे भी यूजर नेम दिख रहा होगा, जाके फॉलो करो। एंड फोटो एडिट करो तो यार मुझे टैग जरूर करना, ताकि यार मैं आपकी फोटोज को लाइक कर सकूं। ठीक है, स्टोरीज देख सकूं। सो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो आप सभी से यही आशा है कि गाइस हम 10 के सब्सक्राइब करो बहुत करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जल्दी से जल्दी। एंड गाइस 10 के सब्सक्राइबर पे स्पेशल होने वाला है कुछ, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके भी मत जाना। एंड गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, ऐसे सपोर्ट करते रहो। लव यू ऑल एंड बाय, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।